संभाग के सबसे बड़े ढीमरापाल मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में चूहों ने जमकर तांडव मचा रखा है। इन चूहों ने मेडिकल कॉलेज में रखे गए करोड़ों लाखों की मशीनों को भी नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही भर्ती मरीजों को भी ग्लूकोज में भी चूहे पी ले रहे हैं। बता दें कि साल 2022 से मेडिकल कॉलेज में ये समस्या देखने को मिल रही है। इस समस्याओं से निजात पाने बकायदा साल 2022 से 10 लाख का सालाना टेंडर निकाला जा रहा है, लेकिन ये आतंकी चूहे अब तक मेडिकल प्रबंधन और मरीजों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। मरीजों को काट रहे हैं और सारे जो मतलब मेडिकल कॉलेज का जो बेड का सिस्टम है वो खराब पड़ा हुआ है चूहों के कारण में मेडिकल कॉलेज। उसके अलावा मेडिकल कॉलेज में आप सोनोग्राफी मशीन आए दिन आप कुछ ना कुछ चूहों के चलते में कोई ना कोई मशीन खराब की खबरें जान ही लेंगे। पकड़ने वाली कंपनी बताते हैं रायपुर या फिर मुंबई, दो में से कोई एक कंपनी है जो हमारे लोकल बंदों को यहीं के लोगों को रखा हुआ है और वो लोग पकड़ते हैं आप एनिमल उससे होने वाले उसके लिए अपन टेंडर प्रक्रिया में टेंडर दिया गया है। उन लोग नियमित रूप से उसका निराकरण करते हैं तो कंट्रोल स्टेज में है। ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं डाटा पर चूंकि आते रहते हैं किसी को नुकसान ना हो इसीलिए उनको टेंडर दिया गया है। तो टेंडर हाँ करते हैं, उन लोग काम करते हैं। बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 116वें संस्करण की। अब रुक करते हैं खबरों की और, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। सुकमा के भेज्जी थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया और मारे गए सभी नक्सलियों की पहचान भी पूरी कर ली गई है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि कोंटा और किस्टाराम एरिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी सुकमा, बस्तर फाइटर सुकमा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम रवाना हुई थी। इस दौरान मुनूर कोंडा पहाड़ी में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें के 10 नक्सलियों को ढेर किया गया। जो कोंटा एवं किस्टाराम एरिया कमेटी इलाके में सक्रिय रूप से आ रहे थे, जो प्लेटून नंबर 4 का आधा से ज्यादा कैडेट का सफाई हो गई है और शेष अन्य जो माओवादी कैडेट मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के संभावना को देखते हुए आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है और कुल 40 लाख का इनाम इन सभी 10 माओवादी कैडेटों पर घोषित है और मुठभेड़ स्थल से AK-47 इंसास SLR डायनेमो पिस्टल सहित कुल 11 वेपन भी बरामद की थी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार सूर्य घर योजना के तहत हितग्राहियों के घर की छत में सोलर पैनल लगाने के लिए राशि उपलब्ध करा रही है जिसमें कि 30,000 से लेकर 70,000 की सब्सिडी मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 8,000 कनेक्शन लगाने का लक्ष्य मिला हुआ है और 7,000 से अधिक लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। बता दें कि जिले के जयराम नगर को सोलर विलेज बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया और कलेक्टर ने काम की समीक्षा भी कर ली है। पीएम सूर्य घर योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत जो घर है जिनका खपत 300 यूनिट तक है या उससे अधिक है वो अपने रूफ प्लांट लगा सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 1 किलोवाट के लिए 3,000 अधिकतम 78,000 रुपए तक की छूट प्रदान की जा रही है। ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें आप जो अपना उपयोग की बिजली है वो आप सोलर के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं और जो बिजली बच जाएगी वो आप बेच भी सकते हैं। बिलासपुर के सरकंडा में मंगलवार रात हुए TI और तहसीलदार के बीच विवाद का मामला अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस घटना का CCTV फुटेज भी वायरल होते ही IG ने TI को लाइन अटैच कर दिया। सतनामी समाज ने IG के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए बिलासपुर कलेक्ट्रेट में CM साय के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मामले में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए उचित न्याय की मांग की है। वहीं न्याय नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी उन्होंने दी है। वैभव मंडल के चाल रेंज के तहत हार्टी सर्किल में 54 हाथियों का दल दिख दिया है। जंगली हाथियों का झुंड गुवाहाटी से चित्रा मुख्य मार्ग पर पहुंचा है जिससे कि आसपास के गांव के ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि गुरुवार को इसी दल में से खाती शावक की तालाब में नहाते समय पानी को डूबने से मौत हो गई थी। लगातार कटते जंगल और
जंगलों के बीच रेल लाइन गुजरने से हाथियों के दल अब खुले जगह में दिखाई दे रहे हैं। वहीं वन विभाग लगातार हाथियों की निगरानी भी कर रहा है ताकि किसी प्रकार की जनहानि ना हो सके। बिलासपुर में हाईवे चालक से मारपीट कर लूटपाट करने वाले तीन आरोपियों को मस्तूरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों ने कर्रा मोड़ के पास हाईवे के सामने बाइक अड़ाकर ड्राइवर से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही उन्होंने ड्राइवर के साथ मारपीट कर रिपोर्ट भी की थी। मामले में प्रार्थी ने आरोपियों के बाइक नंबर की जानकारी पुलिस को दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 2000 नकद और सामान जब्त किया गया है। वही धर्मजयगढ़